हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। कैसे हैं आप सब? एसएसटी की अपनी बुक का ये सेकंड चैप्टर चल रहा था, आवर बॉडी। इस चैप्टर के अंदर हमने हमारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी, और साथ में ही आप लोगों ने इसके अंदर 25 अपने बॉडी पार्ट्स नेम भी लर्न किए थे। सेंस जो ऑर्गन्स हैं अपने, उनको भी आपने लर्न किया था। कुछ रफली रिमेम्बरिंग जो थिंग्स हैं इसकी, उनको हम एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने इसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को स्टडी किया। तब हमें पता चला कि इसके अंदर हमारे दो तरह के ऑर्गन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के ऑर्गन्स जो थे उनके अंदर हमारे कौन से हुए? पहला हुआ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर हमने स्टडी किया कि वो बॉडी पार्ट्स या उन ऑर्गन्स की हम बात करें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम हमारी आँखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब बाहरी अंग जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स का नाम दिया। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया फेस, लेग और आर्म्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चला था, उस टॉपिक के अंदर हमने लिया था इंटरनल ऑर्गन्स। ये जस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स का अपोजिट था। इसमें हमने क्या स्टडी किया? इसमें हमने स्टडी किया कि वो ऑर्गन्स, हम उन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनको देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उन ऑर्गन्स को हमने शामिल किया इंटरनल ऑर्गन्स में, जिसके अंदर हमने जो एग्जांपल्स दिए उनमें हार्ट, लंग्स और किडनी, और भी एग्जांपल्स होते हैं, लीवर भी इसी में शामिल होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात कर रहे थे इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स को हमने स्टडी किया। सेंस ऑर्गन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा के लिए, फॉर एवरी टाइम, ये अपना जीके क्वेश्चन भी बन सकता है, साइंस का भी एक टॉपिक बन सकता है कि सेंस ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 5 सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टडी ये की थी कि सेंस ऑर्गन का मतलब जिससे हमें हमारे सराउंडिंग एरिया, एनवायरनमेंट की स्टडी हो, एनवायरनमेंट का नॉलेज मिले, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिले, उसको हमने क्या नाम दिया था? सेंस ऑर्गन्स। जिसमें हमने बात की थी किसकी? आइज की, ईयर्स की, नोज, टंग एंड स्किन की बात की थी। आइज से हम देख सकते हैं, ईयर्स से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं, और हम बात कर रहे थे स्किन की, तो उस बॉडी पार्ट से, स्किन से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं कि वो हॉट है, कॉल्ड है, किस तरह की है। तो ये हमारे क्या थे? सेंस ऑर्गन्स में। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब इंटरनल ऑर्गन को ज़्यादा डिस्क्राइब करके अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको स्टडी किया था। तो इंटरनल ऑर्गन के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन था वो हमारा था हार्ट। हार्ट के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने स्टडी की थी कि हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को वन पार्ट से सेकंड पार्ट तक पहुंचाने का जो वर्क करता है वो क्या करता है? हार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो था हमारा वो लंग्स। लंग्स के बारे में हमने स्टडी की, ये क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस के साथ में जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसको पूरी बॉडी के अंदर ले जाना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने लिया था वो क्या था? ब्रेन, दिमाग जिसको हम कहते हैं। दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो कंट्रोल किससे होते हैं? ब्रेन से होते हैं। तो ब्रेन भी हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन के अंदर शामिल था। फिर हम बात कर रहे थे हमारे स्टोमक की। स्टोमक के अंदर जितना भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम क्या होता है? सारा स्टोमक में। एंड लास्ट हमने स्टडी किया था बोन्स के बारे में। बोन्स हमारी हड्डियों को बोलते हैं। 206 टोटल हमारी बोन्स होती हैं, और ये बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ में टच रहती है। ये एक तो मान सकते हैं कि मसल्स जो है वो एक दूसरे के साथ, मसल्स और बोन्स एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं, और जो हमारी बॉडी को क्या करती है? एक स्टेप, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्या किया? इस पूरे चैप्टर को स्टडी किया। आज का हमारा ये जो वीडियो है, उस वीडियो में आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी एंड फोकस दिस चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ए, जिसकी हम बात करें, जिसके अंदर क्या दिया? चूज द टिक राइट द करेक्ट वर्ड, कि हमें उस करेक्ट वर्ड को
राइट टिक करना है जो एज पर सेंटेंस और एज पर आवर लेसन कंप्लीट राइट होता है उसको हमें राइट टिक करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नंबर वन वाले की। आवर बॉडी इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स या सिंपल मशीन। हम बात करें किसकी, हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी एक सिंपल मशीन में शामिल होती है, कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में बताया था ना, जटिल, बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड ऑर्गन्स इसके अंदर है और उन ऑर्गन्स की वजह से हम इसको सिंपल मशीन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स मशीन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को राइट टिक करना है। ओके, नंबर टू, ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ टू परफॉर्म सिंपल स्पेशल फंक्शन। हम बात कर रहे थे ईच ऑर्गन, अभी हम बात कर रहे थे पूरी बॉडी की, अब सेकंड में ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन जो क्या है ऑफ द बॉडी हैज़ टू परफॉर्म सिंपल या स्पेशल फंक्शन। मतलब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सिंपल वर्क करते हैं या कुछ स्पेशल ऑर्गन स्पेशल वर्क करते हैं। आई मीन दैट, जैसे अभी आपको इस वीडियो के अंदर मेरी फिंगर शो कर रही है, तो इस फिंगर का कुछ स्पेशल वर्क है या यही वर्क मैं किसी और बॉडी पार्ट से भी कर सकता हूँ। आइज का जो वर्क है वो देखने का वर्क होता है, ईयर का सुनने का वर्क होता है, नोज क्या करता है, स्मेल फील करवाता है। तो ये बॉडी पार्ट्स जो हैं अपना जो वर्क करते हैं, ऐसा ही वर्क कोई दूसरा बॉडी पार्ट्स भी कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब हर एक बॉडी पार्ट, जो ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, वो जो काम कर सकता है वो अपने आप में क्या है, स्पेशल है, सिंपल वर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर थ्री की हम बात कर रहे थे, वी यूज़ द ब्रेन इन जंपिंग और थिंकिंग। ब्रेन को किस काम में लेते हैं, ब्रेन को हम काम में लेते हैं जंप करने में, नहीं, ब्रेन को काम में लेते हैं किसी में, थिंक करने में, सोचने में। हर एक वर्क को करने से पहले या करवाने के लिए जिस चीज़ की हमें स्पेशल नीड होती है, मस्ट जो होता है, ज़रूरी जो होता है, वो क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी मूव कर ही नहीं सकती। हम सोच जब हमारी नहीं होगी, हम किसी चीज़ को थिंक नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी किसी भी तरह का एक्ट नहीं कर पाएगी। नंबर फोर की बात कर रहे थे, वी कैन टेस्ट स्वीट्स विथ आवर टंग और स्किन। किसी भी चीज़ को हम टेस्ट देखते हैं, वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, किस तरह का उसका टेस्ट है, उस टेस्ट को हम किस तरह से या कौन से बॉडी पार्ट से हम फील करते हैं या जानते हैं। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल, जब भी हमारे सामने नाम लिया जाता है रसगुल्ले का, तो हमें पता होता है कि मीठा है, रसगुल्ले के बारे में हमें पता है कि वो मीठा है। लेकिन जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, जब तक वो हमारी टंग हमारी जीभ पर टच नहीं होगा, तब तक हमें ये नहीं फील होगा क्या रियल में वो मीठा है। इसी तरह से अगर हमारे सामने किसी भी तरह की कोई नई डिश आती है, नई खाने की चीज़ आती है, तो सबसे पहले हम उसको जैसे ही वो हमारी टंग पर टच होती है खाने के लिए, उसको खोलते हैं और उसको टंग तक, जब तक वो जीभ पर टच होती है, तब हमें पता चलता है कि इस चीज़ का या इस थिंग्स का जो टेस्ट था वो कैसा था। तो किसी भी चीज़ का हमें टेस्ट अगर पता करना है तो किससे होगा, टंग से। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ए जो था आपका, चूज द टिक करेक्ट वर्ड, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स की। बॉक्स की हेल्प लेते हुए आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है इसने, ब्लैंक विद सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या कहा इसने कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्वाइव करने का काम कौन करता है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में, ब्रेन, ब्रेन का काम थिंक करने का है, अभी आपने देखा है इसके अंदर। लंग्स का काम क्या करना है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्वाइव करवाने का काम है। हार्ट जो है उसका काम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्वाइव करवाने का काम है। बॉन्स की बात कर रहे हैं, बॉन्स और मसल्स मिलकर के हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर बनाती है, ये फिर एक तरह से मान सकती हैं पूरी बॉडी को तैयार करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन के, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो ब्लैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट मिल रहा है हमें, हार्ट। तो इसमें हमें क्या लिखना है, हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हर्ट कंप्लीट हुआ, इसका मतलब यहाँ से एक ऑप्शन भी हमारा कम हो गया। सेकंड नंबर दे रखा है, थिंक्स एंड डिसाइड फॉर आवर बॉडी, वी नो वेरी वेल। अभी हमने ऊपर भी किया, देखो, वी यूज़ द ब्रेन इन थिंकिंग, थिंक करने में। यहाँ भी क्या है, थिंक्स एंड डिसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को सोचती है, उसके बारे में विचार करती है, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेती है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, ब्रेन की। किसकी होती है, ब्रेन की। तो सेकेंड वाला जो ब्लैंक है उसमें आप कंप्लीट करेंगे ब्रेन।
ये स्टैंड नंबर थ्री की बात करते हैं। टू ऑप्शन कंप्लीट हो गए ना, ब्रेन भी कम हो गया और हार्ट भी हो गया। अब क्या बचा, लंग्स और बोन। देखते हैं द फ्रॉम द स्केल्टन। स्केल्टन क्या होता है, हड्डियों का बना हुआ ढांचा। तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्केल्टन बोलते हैं। अब स्केल्टन का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है बोन्स की। तो थर्ड वाले ब्लैंक में कंप्लीट हुआ कि बोन्स क्या करती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। तो यहाँ थर्ड में क्या आएगा, बी ओ एन ई एस, बोन्स। नंबर फोर, फोर वाला ब्लैंक बचा है, ऑप्शन भी हमारे पास में एक ही बचा है लेकिन फिर भी इसको स्टडी करते हैं। आवर हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में हमारी मदद कौन करता है, लंग्स से। और लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़े। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे फोर ब्लैंक भी कंप्लीट हुए। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सी आता है, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स विद दियर फंक्शन। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा वर्क करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमारी सेल्फ बॉडी के बारे में भी कुछ वर्क पता चल रहा है कि कौन सा बॉडी पार्ट से क्या काम करता है। देखते हैं ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और क्लियर करता हूँ साथ साथ में कि कौन सा बॉडी पार्ट से कैसा है। डियर स्टूडेंट एक चीज़ सुनना मेरी बात, सारे बच्चों के लिए है ना, आपको सबको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं। देखो एक चीज़ अच्छे से बताता हूँ ना, ध्यान सुनना। आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको नोज दिखाई देती है ना, खुद की नहीं दिखती, सामने वाले फ्रेंड्स की दिखती है ना, हाँ, उस नोज के बारे में हमें ये भी पता है कि वो नोज क्या वर्क करती है। यस, स्मेल करने का वर्क करती है, उससे हम अच्छी अच्छी जो स्मेल है उनको फील कर सकते हैं। रोज ही स्मेल फील कर सकते हैं, कहीं से बैड स्मेल आती है तो उसको भी हम फील करते हैं। आईज सबको दिखती हैं, आईज का हमें वर्क भी पता है, देखने का काम होता है। ऐसे ही आपको अपने बॉडी पार्ट्स नहीं, जिनको आप देख सकते हो उनका वर्क आपको मोस्ट ऑफ पता होता है। पाँव का वर्क चलना होता है, हैंड्स का वर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना होता है, ईयर का काम क्या होता है, सुनना होता है, ये आपको इस चीज़ का सबका पता है। फिंगर्स और थंब का वर्क होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन वो बॉडी पार्ट्स जो आपको दिखाई नहीं देते, जो दिखाई दे रहे हो तो एक्सटर्नल हो गए, लेकिन जो दिख ही नहीं रहे हैं, जो बॉडी के अंदर हैं, उनका वर्क भी हमें नहीं दिखाई देता। उस चीज़ को हम इस मैच द फॉलोइंग में स्टडी भी करेंगे और हमारे नॉलेज के लिए भी अच्छा है। देखो सबसे पहले नाम दिया ब्रेन, ब्रेन का मतलब हमारा दिमाग। हमारा दिमाग क्या काम करता है, थिंक करने का, किसी भी काम को करने से पहले उसको सोचना, करने के लिए हमें उसको मूव करवाना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हाथ पांव जो भी चीज़ें वर्क करती है ना, वो सारी किसके अकॉर्डिंग होती है, ब्रेन के अकॉर्डिंग। तो ब्रेन का काम करना है क्या, करना किसी चीज़ को थिंक करना, किसी चीज़ को सोचना। अब ऑप्शन में मैच करते हैं, होल्ड द बॉडी टुगेदर, नो, डाइजेस्ट फूड, नो, हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में, नो, हेल्प अस टू थिंक, यस, सोचने में हमारी मदद कौन करता है, ब्रेन। तो आपको इसको ब्रेन को किससे मैच करना है, आपके हेल्प अस टू थिंक। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरनल ऑर्गन था ब्रेन, आपने इसको ब्रेन को इंटरनल ऑर्गन में लर्न किया, साथ में इसका वर्क पता चला। ये क्या काम करता है, हमारी सोचने में, हमारी डिसाइड करने में, निर्णय लेने में, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। नंबर टू की बात करते हैं, लंग्स। लंग्स अभी बताया मैंने, फेफड़े होते हैं। फेफड़े किस काम में आते हैं, देखते हो अभी, ये भी हमारे इंटरनल ऑर्गन में, देखते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये लंग्स जो है वो भी क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, हमारे बॉडी के अंदर है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी देखते हैं लंग्स क्या काम करता है, हमारी ब्रीथ करने में, सांस लेने में। देखो अब, होल्ड द बॉडी टुगेदर, नो, डाइजेस्ट फूड, नो, हेल्प अस टू ब्रीथ, वहीं मैच कर लो यहाँ से भी आप कि ब्रीथ करने के अंदर। और साथ में इस चीज़ को ध्यान रखना, लंग्स को हमने भी स्टडी किया है ना, फेफड़े होते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी से, हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे आपके पास में 1, 2, 3 है, आई मीन दैट 3, 4, 5 हार्ट, स्टोमक और बोन्स बचे हैं, वैसे आपके पास में ऑप्शन भी जस्ट 3 ही रिमेंस रहे हैं। हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना। क्या काम होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्वाइव कराना। जैसे आपका फर्स्ट ब्लैंक था ना, हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर किसको फैलाना, किसको लेके जाना, ब्लड को। तो यहाँ पर आप नंबर 3 हार्ट को आराम से आप देखें कि कहाँ पर ब्लड का नाम दे रखा है, ब्लड से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं, होल्ड द बॉडी टुगेदर,
डाइजेस्ट फूड, नो, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर थ्री बचा कौन सा, पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप करना, पंप करने का तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक फॉरवर्ड करना है, तो हार्ट को आप किससे मैच करेंगे, पंप्स ब्लड से। नंबर फोर की बात कर रहे थे हम, स्टोमक, स्टोमक का मतलब हमारा पेट की बात कर रहे हैं। अब पेट के अंदर क्या क्या होता है, यस मुझे पता है आप खाने की बात ही सोच रहे हैं कि पेट के अंदर खूब सारा खाना होता है, उस खाने को डाइजेस्ट भी तो करना है बच्चों, उसको पचाना भी तो है ना, जब तक खाना पचेगा नहीं तब तक उस खाने की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी, तो उस खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम कहाँ होता है, स्टोमक में। तो स्टोमक को देखते हैं हम, जो दो हमारे पास में ऑप्शन है ना, हॉल द बॉडी टुगेदर या डाइजेस्ट फूड, अभी कहा ना हमने खाने का पचाने का जो काम होता है वो कहाँ होता है, स्टोमक में, तो स्टोमक को आप मैच करोगे इससे, डाइजेस्ट फूड से। लास्ट हमारे पास में बॉन, बॉन्स बचा, तो बॉन्स के बारे में हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था और हमारे चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है हमने कि बॉन्स का काम क्या होता है, मसल्स के साथ में मिल करके हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करना, तो बॉन्स को हमने मैच किया किससे, हॉल्ट बॉडी टुगेदर, कि हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से तैयार करना। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने मैच द फॉलोइंग कंप्लीट किए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए, टिक द करेक्ट जो वर्ड थे उनको कंप्लीट किया। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद में एक बार फिर से इनको मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको आज के अपने होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले था चूज द करेक्ट वर्ड, फर्स्ट आवर बॉडी इज ए लाइक ए कॉम्प्लेक्स मशीन, ओके डियर स्टूडेंट्स। नंबर टू, ईच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। नंबर थ्री, वी यूज द ब्रेन इन थिंकिंग। एंड नंबर फोर, वी कैन टेस्ट स्वीट्स विथ आवर टंग। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास में ये फर्स्ट जो ए वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। नंबर बी की हम बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स को यूज करते हुए इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में था हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। नंबर टू, ब्रेन थिंक एंड डिसाइड्स फॉर आवर बॉडी। नंबर थ्री, द बॉन्स फॉर्म द स्केल्टन। नंबर फोर, आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुआ। एंड द लास्ट फॉर टुडे, मैच द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स विद दियर फंक्शंस। बॉडी पार्ट्स को उनके वर्क से मैच करना है। बॉन को हमने मैच किया हेल्प अस टू थिंक से, लंग्स को हमने मैच किया हेल्प अस टू ब्रीथ से, हार्ट को हमने मैच किया पंप्स ब्लड से, स्टोमक को मैच किया डाइजेस्ट फूड से, एंड द लास्ट बॉन्स को हमने मैच किया हॉल द बॉडी टुगेदर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी को हमने कंप्लीट किया। वीडियो को मैं स्लो मोशन में रखता हूँ ताकि आप इसके वर्क को अच्छे से अपनी नोटबुक में कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको वर्क करते हुए अपनी हैंडराइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपकी फेयर नोटबुक के अंदर आपके इस वर्क को नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के आएंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।